निकल ही रही है, यानी आश्रम से होकर के पूरी पटौदी की परिक्रमा करेगी, जन जन के वहाँ बीच में जाकर के मानो आज राम स्वयं अपने आशीर्वाद देने वाले हैं। तो मैं आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, खास तौर पर पटौदी वासियों को, जो भी इसमें सहयोगी बने, साथी बने, वो बात अलग है, लेकिन आज ये पटौदी में जो शोभा यात्रा निकल रही है राम जी के आने की खुशी में, ये रामलला कल आ रहे हैं अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की रामलला की हो रही है, और उसकी पूर्व संध्या पर आज 21 जनवरी को दिव्य भव्य कार्यक्रम, इतनी अद्भुत झांकी निकाल करके एक संदेश दे दिया है मेरे पटौदी वालों ने। हालांकि मैं पहले बहुत बार कहा करता था, और खास तौर पर जब रामलीलाओं में जाता था तो वहां पर दिन की रामलीला में भी, राजकीय के अवसर पर भी मैंने कई बार कहा कि भाई अपनी तो पटौदी अयोध्या है, लेकिन आज वास्तव में पटौदी अयोध्या बन गई है। पहले शायद हो सकता था मैं वैसे कहता था कि हमारी पटौदी अयोध्या है, मेरी पटौदी अयोध्या है, लेकिन आज वास्तव में पूरी पटौदी अयोध्या, और यहाँ का हर नागरिक जैसे राम का दूत हो ऐसे नजर आ रहे हैं। राम के सेवक, राम के भक्त, राम के दीवाने, राम के परवाने, राम के चाहने वाले वो तो है ही हैं, लेकिन राम के दूत बनकर के आज उन्होंने अपना परिचय दिया। इस झांकी के साथ साथ आज मैं ये भी देख रहा हूँ, जैसे लगता है कि कोई कल का सुनहरा अवसर या कल सुनहरा कल हमें दिखाई दे रहा है, लगता है कि राम राज की शुरुआत हो रही है, ये लगता है कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। आने वाला दिन, वो कल, वो दूर नहीं कि जब मेरा भारत पूरी दुनिया का गुरु कहलाएगा। पहले कभी था, इसको विश्व गुरु कहते थे, लेकिन बीच में वो समय नहीं रहा, लेकिन अब लगता है कि बहुत जल्दी ये भारत पूरी दुनिया का गुरु होगा, सारी दुनिया को जीवन की पद्धति देगा, क्योंकि राम राज का, राम मंदिर का मतलब यही है। इसे कोई केवल राम का मंदिर, केवल एक हिंदू का मंदिर वो न कहे, ये मानव सृष्टि के लिए, जनजाति के लिए, हर प्राणी मात्र के लिए है, पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि वो ब्रह्मांड नायक कहलाते हैं मेरे प्रभु राम, तो उनकी सारी रची हुई दुनिया है। तो सारी दुनिया को प्यारा सा पैगाम और संदेश अयोध्या से जाएगा, भारत से जाएगा, उनको जीवन की पद्धति जीने का तरीका सिखाया जाएगा, तो मेरा भारत दुनिया का गुरु कहलाएगा, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, विशेष तौर पर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आदित्यनाथ योगी जी को, वो दोनों मिलकर के, क्योंकि अयोध्या में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, वहाँ राम मंदिर बनने वाला है, और केंद्र में सरकार हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, तो उनके साहसिक और अथक प्रयासों से आज ये दिन मेरे राम भक्तों को देखने को मिला है। वो मुबारकबाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, और पूरी साधना कर रहे हैं। 11 दिन का अनुष्ठान मेरे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है, कल वो यजमान बन के वहाँ प्राणों की प्रतिष्ठा करेंगे। एक सुंदर सुनहरा अवसर वो कल का होगा, पूरे देश और दुनिया में रहने वाले जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए वो हम सबको देखने को मिलेगा। तो मैं बारंबार, अनेक बार, हर बार ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। परमात्मा कृपा करें सबका जीवन सदा मंगलमय बना रहे, सुखमय बना रहे, और सभी जितने लोग हैं, मैं सारी मानव सृष्टि से कहना चाहता हूँ कि जितने मानव हैं, जितने मनुष्य 800 करोड़ अगर लोग दुनिया में हैं, उन सब से कहना चाहता हूँ कि सभी इस बात के लिए जरूर चिंतन करें कि हम सबके पूर्वज राम हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई उससे अलग नहीं है, हमारे पूर्वज राम हैं, तो उनको अपना पूर्वज मान करके कल हर बिरादरी का हर व्यक्ति अपने घर के आगे दिया जरूर जलाए, जैसे कि बाकी सब लोग जलाएंगे। तो जितने लोग हैं, मैं चाहता हूँ वो खुशी मनाएं कि हमारे पूर्वज का वो समय आ गया है, दिन आ गया है, वो मंदिर हमारे हमारे पूर्वज का बन रहा है। हर मनुष्य ये सोचे, मैं हर मनुष्य की बात कर रहा हूँ, केवल हिंदू की बात नहीं कर रहा, हर मनुष्य ये सोचे कि हमारे पूर्वज का मंदिर बन रहा है, इसलिए हर एक को खुश होना चाहिए। आज भी पटौदी में, पटौदी हमेशा अपने मिसाल कायम क्या करती है, जब मैंने संन्यास लिया था 1993 में, उस समय भी हमारे पटौदी के मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया था, और मुझे लगता है कि आज भी रथ यात्रा का स्वागत वो भी अपने मोहल्ले में करेंगे। तो एक सद्भाव का भी संकेत और संदेश जाता है ऐसे कार्यक्रमों को करने से और ऐसी भावनाओं का भी व्यक्त करने से। तो मैं ऐसे लोगों को भी साधुवाद देता हूँ जो राम के प्रति आस्था रखते हुए, जो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बन रहा है, राष्ट्र का निर्माण होगा, आने वाली पीढ़ियों का निर्माण होगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत सारे कार्यक्रम में विपक्ष के रवैये और बयानबाजी को किस रूप में देखते हैं? ऐसे मेरे प्यारे, उस पर ज्यादा चर्चा करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, कि मतलब ये है कि वो हो सकता है भटके हुए कोई लोग हो सकते हैं, जिनकी मति खराब हो सकती है, जो इस राम मंदिर का या इस अनुष्ठान का, प्राण प्रतिष्ठा का, उसका कहीं विरोध करते हैं,
मैं समझता हूं कि उनके अंदर भारतीयता नहीं है, अध्यात्म नहीं है, धर्म कर्म नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि राम जब सबके पूर्वज हैं तो फिर कहां कोई पार्टीबाजी बाकी रह जाती है। यहां सबको एक होकर के राम के चरणों में आकर के अपना नतमस्तक को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका भी भविष्य सुधरेगा। अगर राम के चरणारविंद में आएंगे तो उनको भी कल सुनहरा दिन देखने को मिल सकता है। मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसे हैं तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जय शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने भी कुछ इस पर प्रतिक्रिया दी है और इसको कुछ गलत बताया कि अभी इसका उद्घाटन जल्दबाजी में किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी शुभ काम कभी भी जब किया जाए वो जल्दबाजी नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकता। अब जब राम जी वनवास काल से वापिस आए थे उस समय वशिष्ठ ने कहा था कि पहले हमने उसमें थोड़ा सा गैप समय डाल दिया था बीच में कि इसका मुहूर्त निकलेगा तब राम जी को गद्दी पर बिठाएंगे, विलंब हुआ और उसका परिणाम भुगतना पड़ा कि वो राज गद्दी से रहित होकर के वनवास उनको जाना पड़ा। जब वापस लौट के आए तो वशिष्ठ ने कहा जब राम गद्दी पर बैठेंगे वही मुहूर्त होगा, तो इसलिए देर न करो, इस समय भरत जी आज ही इनको बिठाओ गद्दी पर। आते ही उनको गद्दी पर बिठा दिया गया था। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने आदरणीय उन महानुभावों से, महापुरुषों से भी, कोई ऐसी बात न कहें न सोचें, क्योंकि जितने भी मुहूर्त हैं, आज मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, जितने भी भारतवर्ष में या दुनिया में मुहूर्त हैं वो किसी न किसी ऐसे शुभ कार्य के माध्यम से बने हैं। या राम का जन्म हुआ, रामनवमी है, वो अपने आप में मुहूर्त बन गई। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जन्माष्टमी है, वो मुहूर्त बन गई है। यानी जब उनका जन्म होता है या फिर कोई भी ऐसा प्यारा सा कार्य होता है, मान लिया उन्होंने रावण को जीता, विजय प्राप्त की, विजयदशमी, वो अपने आप में मुहूर्त बन गया। कोई भी अच्छा काम जब उन्होंने किया तो वो मुहूर्त बन गया। आज जब राम लला की स्वयं की मूर्ति लग रही है वहां पर, तो वो तो अपने आप मुहूर्त बन गया है। हालांकि वैसे भी मुहूर्त है, और बल्कि मैं तो यूं कहूंगा ये 22 जनवरी पोष शुक्ल पक्ष की द्वादशी, ये आने वाले टाइम में और लोगों के लिए मुहूर्त बन जाएगी। यानी लोग कोई अच्छा कार्य करेंगे, खुशी का कार्य करेंगे, कोई खुशी मनाएंगे, कोई अगर मुहूर्त देखना होगा तो लोगों के लिए अबूझ साया हो जाएगा कि पोष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी यानी 22 जनवरी यह भी मुहूर्त बन रहा है। अपने आप में एक नया मुहूर्त और बन रहा है। बाकी सब लोगों के लिए कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। कोई शुभ काम करना हो तो या तो 22 जनवरी को कर दें या फिर पोष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को कर दें, जिस दिन मेरे रामलला वहां विराजित होने वाले हैं। तो इसलिए चाहे कोई भी है, हमारे महापुरुष हम सबका आदर करते हैं, लेकिन उनको ना कहीं भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो कि उनके खिलाफ जाती है। यानी राम को मानते हो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हो, तो कोई भी बात अंदर से ऐसी न निकालें कि जिससे कि हमारे इस आध्यात्मिक और धार्मिक समाज को कहीं ठेस पहुंचे। क्योंकि आज बच्चा बच्चा राममय, राम का भक्त बन चुका है, भारत की गली मोहल्ला हर राममय बन चुका है। आज कोई अगर ऐसी बात करेगा तो सीधा सीधा होगा, वो अपना ही विरोध प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके प्रति समाज का विरोध हो जाएगा। चाहे वो कोई पार्टी, छोड़ो मैं तो कहता हूँ चाहे वो संत हो, महात्मा हो, शंकराचार्य हो, कोई भी हो, लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे अगर वो इसका कहीं इस तरह की बातें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहूंगा सारे मिलकर के आए और आशीर्वाद दें, ना भी आए जहां बैठे हैं वहीं से अपना आशीर्वाद दें कि बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है, और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सारे अपने समाज को आशीर्वाद दें और अपने राम को मनाते रहे हो, भगवान की पूजा करते रहे हो। आज उनका ये दिन देख करके आप भी खुशी मनाएं, परमात्मा कृपा करें। जय श्री राम। इस कार्यक्रम के बाद भारत की और भारतीय राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी? ऐसे मेरे प्यारे, मैं भारतीय राजनीति क्या को मैंने कहा ना, अब तो राम राज शुरू होने वाला है मेरे प्यारे। राजनीति नाम की कोई ऐसी वैसी चीज, क्योंकि राजनीति बदनाम हो चुकी थी भारत की, क्योंकि उनके कार्य ऐसे होते थे, गलत कार्य जहां पर हो रहे हैं लोग उसको राजनीति कहने लग गए थे। लेकिन अब राजनीति खत्म हो जाएगी, राष्ट्रनीति होगी, रामनीति होगी। जय श्री राम।